नमस्कार। बिहार पर विचार की श्रृंखला में सफाई पर आज हम थोड़ा विचार रखना चाहेंगे। शुद्धता और स्वच्छता जो जीवन की अनिवार्य चीज़ें हैं, कि हमें साफ पानी मिले, साफ भोजन मिले, शुद्ध हवा मिले, वह आज बिहार में भी नदारद है, पूरे भारत में और विश्व में कहें तो वैश्विक स्तर पर भी बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बिहार में हम जहाँ भी गए, चाहे वह ग्राम हो, नगर हो, महानगर हो, जैसी हमारी आशा होती है ना कि इतनी सफाई तो हो, वह हमें कहीं दिखाई नहीं दी और किसी ने तारीफ नहीं की। चाहे सरकार के कितने भी प्रयास हों, कुछ सराहनीय प्रयास भी हैं, लेकिन देखने में आता है कि गांव जहाँ पे म्युनिसिपल नहीं है वो महानगरों से ज़्यादा साफ है, क्योंकि वहाँ गंदगी पैदा ही नहीं की जाती है। जैसे कहते हैं कि खाने की पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। गांव में कहते हैं खाने का पहला हिस्सा, जो सब्जी कटे, छिलका हो, उसका किनारे के पत्ते हों, वह गाय का है। तो जैसे ही कटता है वो गौशाला में दे आते हैं, बाद में जो झूठन बचता है वो कुत्ते को दे देते हैं, और जो बर्तन का धोवन भी बचता है वो भी गौशाला में गाय के पानी पीने के काम आता है। तब कुछ बचा ही नहीं। कचरा अगर तुम देखो तो धूल जो खेत की आ गई वही धूल होती है, वो वापस खेत में डाल देते हैं। आज सफाई करने के नाम पे, शुद्धता के नाम पे, कि हमको साफ पानी पीना है, तो साफ पानी बोतलें और प्लास्टिक लाके आपने कचरा और बढ़ा दिया। जितने प्रयोग शुद्धता के चल रहे हैं वो वास्तव में कचरा और बढ़ाए दे रहे हैं। आप देखेंगे कि 5 बरस पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने सफाई अभियान शुरू किया, टेक पू टू द लू, टॉयलेट को बाथरूम तक लेके जाओ, कहीं भी सड़क पे मत करो। भारत ने भी शुद्धता और स्वच्छता अभियान अपनाया। 6 बरस बीत गए, सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था, और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसका क्या हो रहा है। आप नाला देख लो, पटना का नाला देख लो, तो बीच बीच में लोगों ने उसको अवरुद्ध कर दिया और घर के सामने से सड़क बना ली। पानी जमा होता है, मच्छर आते हैं, फिर मच्छरों की शिकायत करते हैं, और फिर गुड नाइट क्रीम और मच्छरदानियों का पैसा तो बढ़ता ही है, तो जमादार भी साफ नहीं करते हैं, और सफाई का बजट बढ़ता जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट बढ़ता जाता है। और तुम देखो, एक पार्षद जो पहले साइकिल से घूमता था, आजकल चुनाव जीतते ही स्कॉर्पियो पे घूमता है, तो पैसा बढ़ गया लेकिन सफाई नहीं बढ़ी। अब अगर सफाई को देखना है तो कारणों पे जब तक हम नहीं जाएंगे, गांठ कहाँ से बंधी है, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चाहे गांधी जी सफाई कर्मचारी को हरिजन बोल लें, कोई भक्तजन बोल लें, कुछ बोल लें, क्योंकि जब तक सफाई कर्मचारी का सम्मान नहीं होगा, सफाई को हे दृष्टि से देखा जाएगा, सफाई को द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक थे पहले, वह माना जाएगा, तो सफाई कैसे होगी। जब मंदिरों को महत्वपूर्ण समझा जाएगा और बाथरूम को गलत समझा जाएगा, तो जो मंदिरों को आस्था रखते हैं उनके मंदिर चमकेंगे, और जो मंदिर पे आस्था नहीं रखेंगे उनके बाथरूम चमकेंगे। तो पश्चिमी देशों में तुम देखोगे, कई देशों में बाथरूम 10-10 लाख, 20-20 लाख, कुर्सी नुमा टॉयलेट सीट हो गई हैं। आप किताब पढ़ सकते हैं वहाँ, वहीं नहा सकते हैं, घंटों आप वहाँ बिता सकते हैं, टॉयलेट उतरे ना उतरे लेकिन बाकी सब काम वहाँ आप कर सकते हैं, शराब की बोतल बियर बार भी आप वहाँ रख सकते हैं, और जो मंदिरों के करते हैं, तो जिन्होंने मंदिरों को अपन महान समझा और बाथरूम को निकृष्ट समझा,
उनके यहाँ 3x3 फिट के बाथरूम हो गए और वो भी साफ नहीं होते, दड़बे नुमा। तुम उन पंडितों को देखोगे तो मुंह से बदबू आती है, पेट फूले हुए हैं, निकास ठीक नहीं है, और वो चिल्लाते रहते हैं ज्ञान की बातें। और दूसरे तरफ जो बाथरूम की बात करते हैं वो कहते हैं पंडित बोलते रहते हैं, यार इनको छोड़ो यार, जीवन में रखा क्या है, इनका खुद का दिशा घटाव है। तुम कहानी सुनो तो तुम्हें सुनाई देगा, एक गरीब ब्राह्मण था, तुमने सुनी नहीं होगी कहानी कि एक अमीर ब्राह्मण था। कथा कहानियों तक में ही आ गया। तो ये चीजें गड़बड़ाई कहां से, वहां से नहीं चलेंगे तब तक चीजें नहीं होंगी ठीक, क्योंकि जो मन आता है वही मैनिफेस्टेशन होता है। एक व्यक्ति का दिमाग होता है वह कार्य में परिणत होता है, और एक जो समूह का दिमाग होता है उससे समाज चलता है। व्यक्ति के दिमाग में चीजें ठीक नहीं है और समाज के दिमाग में ठीक नहीं है तो ना व्यक्ति सफाई से रहता है, कहीं मानसिक परेशानी है, कहीं शारीरिक व्याधि है, ये सफाई ना होने के कारण ही है। कहीं अति शुद्धता के कारण कोई जरा सा खराब पानी पी लेते तबीयत खराब हो जाती, इम्यूनिटी कम हो गई, और ज़्यादा सफाई से इतने कचरेदान बन गए कि वायरस, बैक्टीरिया, चील, सुअर सब घूमते रहते हैं और बीमारी फैलाते हैं। तो उस पर जाना बहुत ज़रूरी है, मूल पे। तो अगर हम शुरुआती दौर में देखें, जब वन्य से, प्रकृति से कृषि की तरफ आदमी बढ़ा, आज भी अगर हम आदिवासियों को देखें तो उसमें सब आदमी, सब औरतें सब काम कर लेते हैं, लेकिन जब सभ्यता का विकास हुआ या कहें कि कृषि की तरफ हम अग्रसर हुए और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी, तब ऐसा हुआ कि जो काम आसान था उस पर सब कूद पड़े और जो थोड़ा कठिन था उसमें सब भाग खड़े हुए। तब समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत हुई कि कैसे चले, तो जो समाज में सबसे तेज तर्रार थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसा सौंपा गया कि जो 7 तल हैं शरीर के, मलमूत्र का या मूल आधार, नाभि का सेंट्रल पार्ट, केंद्र, पेट, छाती, दिल, गर्दन, आवाज, दोनों आँखों के बीच में, नाक के बीच में जो ध्यान का केंद्र है, और सिर, इन 7 तलों पे जो चीज़ चल जाए, जो 7 द्वीपों में चल जाए, जो 7 समुद्र में पूरी हो, ऐसी व्यवस्था बनाओ। तो जब उन्होंने व्यवस्था बनाई तो उसको कहा यह सनातन है, यह आज भी चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। उस व्यवस्था का नाम उन्होंने कहा सनातन, परपेचुअल, पेरेनियल। बोले यही धर्म है, यही मर्म है, जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं चलेंगी। तो जो सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले ज्ञान के थे, तुम भाई समाज कैसे चलना है उसको व्यवस्थित रखो। जो लड़ने वाले थे, तुम समाज की सुरक्षा करो, तुम समाज का दिल बनो। जो वितरण का काम कर लेते थे, जो संरक्षण का काम कर लेते थे, जो स्टोर का काम कर लेते थे, उनको कहा तुम भंडारण का, वितरण का, बनियागिरी का काम करो। और जो दूसरा निकास की व्यवस्था, ये सब आने की व्यवस्था, जो निकास की व्यवस्था देख सकते हैं, जो सेवा की, उनको कहा कि तुम चौथा काम करो। तो चारों का सम्मान था, सबकी सहयोगिता थी, सबकी सहभागिता थी, और सब अपने अपने सेक्टर में माहिर थे। जैसे आज एक कार बनाने का तुम उदाहरण देखोगे कि कार बनती तो उसका स्टेयरिंग कहीं बनता है, टायर कहीं बनता है, बॉडी कहीं बनती है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, अलग अलग चीज़ें। और तुम देखोगे कि धीरे धीरे वो फैक्ट्रियाँ अपने क्षेत्र में माहिर हो जाती हैं और एक इंटीग्रेटेड फॉर्म लेके आता है। फिर नई कार भी लेके आना होता है तो वो लोग बना लेते हैं। अब तुम कहो कि नहीं, उसका टायर महत्वपूर्ण है, उसकी बॉडी महत्वपूर्ण है, तो सब बकवासबाजी है सबकी। लेकिन हुआ ये कि जब व्यवस्था बन गई और चलने लगी, तो जब सब कुछ ठीक चलने लगता तो आदमी कहता नहीं, प्रगति तो हमेशा होती रहती है,
ये भूल ही जाता है कि परफेक्शन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती। जब आप पूर्णता को पा जाएं तो वहाँ विश्राम करना चाहिए, वहाँ ध्यान देना चाहिए। तो बुद्धि का प्रयोग शुरू हुआ। तो जो दिमागदार थे उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ तो विकास कर सकते हैं। तो उन्होंने दिमाग को तवज्जो देना शुरू की और अपने पीछे लोग लपा लिए। तो जो सफाई करने वाले थे वो है दृष्टि से देखे गए, जो गाय की सुरक्षा करते थे, बैलों की खेती करते थे, वो है दृष्टि से देखे गए। तो जो समाज में सहभागिता और एक समरसता बिगड़ती है तो समाज बिगड़ने लगता है। तो पहले पहले ज्ञान का हुआ, फिर क्षत्रियों ने किया, फिर बनियों ने किया, फिर शूद्रों ने किया, ये चीज़ें बिगड़ी। तो एक उदाहरण के लिए आता है कि एक सज्जन थे, उनका नाम था छेदालाल। वो ड्रिल का काम करते थे सनातनी व्यवस्था में। तो जब ज्ञान का विकास हुआ तो उनका नाम कर दिया, काम तो बना नहीं क्योंकि काम तो सिर्फ ध्यान का और ज्ञान का था, अब सफाई कौन करे। तो जब उनको भी उसमें शामिल कर लिया तो उनका नाम हो गया गौतम छेदा, छेदालाल जी गौतम। फिर वो दूसरे धर्म में आए तो उनका नाम हो गया महावीर छेदा। अब वो छेदालाल जी काम वही कर रहे हैं। चूंकि एक धर्म में ज्ञान की बात ज्यादा थी तो वो उस ओर अग्रसर हो गए, दूसरी ओर ज्ञान और बनियागिरी ज्यादा थी तो उस ओर तो मूल काम उनका छूट गया। और समाज में जब भी ऐसा विग्रह होता है तो गुलामी का दौर शुरू होता है और ये गुलामी का दौर चला। फिर इसके बाद जब नाम बल्टे और दूसरी जगह चीज़ें बनी तो उनका नाम हो गया मिस्टर होल, काम वही कर रहे हैं। फिर और आगे विकास या कहें प्रकृति आगे चली और नया धर्म आया जो उत्पाद के द्वारा हुआ तो उनका नाम हो गया सुराखली। फिर चीज़ें और बढ़ी तो वो दुखी हो गए, उनने कहा नया धर्म आया भाई हमको ले लो। तो उनका सरदारों का धर्म आया तो नाम गड्ढा सिंह हो गया। चीज़ें व्यवस्था नहीं बनी, व्यवस्था बिगड़ती गई, जो सनातन था वह बिगड़ गया। तो जब तक हम सम्मान सबको नहीं देंगे, जब तक पंडित की सैलरी और पंडित का सम्मान और बाथरूम सफाई करने वाले का बराबर नहीं होगा, विकृति दिखाई देगी। आज ऐसे धर्म चल रहे हैं जो सिर्फ बनियागिरी करते हैं और वो सफाई दूसरों के कंधे पे चलता है। सनातनी के या हिंदू धर्म मान लें तो इसके अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा वर्गीकरण नहीं है जो वर्ण व्यवस्था कहलाता था, चुनाव की व्यवस्था, क्योंकि सबका सम्मान था। इसलिए सारे दूर सफाई की दिक्कत है, सारे दूर झगड़े चल रहे हैं। इन 6 महीने के बंद में चीजें क्लियर हो गई हैं कि आपको दिखने लगा कि भैया चीज़ें कहाँ जा रही हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद हो गए, सबको अपनी औकात समझ में आ गई। सफाई ठेके पे हो रही है लेकिन जब तक मानस में सफाई नहीं होगी तब तक चीज़ें सफाई नहीं होंगी। और सफाई अगर कर लोगे तो पीने के पानी की बोतलों की ज़रूरत नहीं है। आदमी घर से बोतल लेके चलेगा और कहीं भी प्याऊ आ जाएगी, आप पानी ले लो तो रोजगार बढ़ेंगे। सफाई की चीज़ें और बढ़ेंगी तो गाय के लिए घास के मैदान नहीं चाहिए, सब्जी के मैदान ही काफ़ी होंगे। और जो अधिकांश औरतें और सफाई की बात करती हैं, वैक्सिंग करती हैं, तो कहती हैं बहुत गोरे हो जाएंगे। तो उनके गोरेपन से जमीन आपने गोरी कर दी, चिकनी कर दी, पेड़ काट दिए, तो जो स्वाभाविक प्रेस्परेशन रेस्परेशन था वो सिस्टम बिगड़ गया, धरती का बिगड़ गया, शरीरों का बिगड़ गया, बीमारी बढ़ गई। तो शुद्धता स्वच्छता इस पर चीज़ें जरूरी हैं, बृहद चर्चा। हम अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पास करने के बाद भारत की एक महत्वपूर्ण कंपनी में 31 वर्ष काम किए और मुझे ध्यान पड़ता है कि मेरी जो सबसे ज़्यादा मेरी उसमें कंट्रीब्यूशन रहा वह सफाई का ही रहा, चाहे वह स्टोर का हो, स्क्रैप डिस्पोजल,
गंदे आदमियों को हटाना भी हो, तो सफाई ये नहीं है कि नाली का ही साफ करना है। जो अच्छे अच्छे स्थानों पे गंदे गंदे लोग बैठे हैं, खैनी खा के चबाए जाएंगे, काम करेंगे नहीं, वो भी गंदे हैं, उनको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मौलवी पंडित गंदे हो गए हैं, उनको भी हटाना ज़रूरी है। सबकी पात्रता जरूरी है। समाज में पंडितों मौलवी पादरियों का आरक्षण बंद करने की ज़रूरत है। अगर आप यह बंद करोगे तो सरकार में जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का, वो अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि जो आज आरक्षण चल रहा है कि पंडित का बेटा कहता है मैं तो पंडित, मेरे पैर छूए, मैं पहले खाना खाऊं, पात्रता धेले की नहीं है, तो उसका एग्ज़ाम हो और उसमें कोई भी शामिल हो। वर्ण व्यवस्था मतलब चुनाव की व्यवस्था, जैसे स्वयंवर में लड़कियां चुनती हैं अपना वर, वही मतलब है वर्ण व्यवस्था। विशेषता को संज्ञा का नाम दे के चीज़ें विस्मृत कर दी गई। और फिर श्लोक गाते हैं, ढोल शूद्र पशुवर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और पंडित अपना ज्ञान बघारेंगे। अरे वो अधिकार प्राप्त हैं आपकी ताड़ना के, पिटाई के नहीं, आपके ध्यान के, बिकॉज दे आर वर्किंग समवेयर एल्स, वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं। आप अपने को सुपीरियर समझें। इन नारों से सही मतलब निकालना जरूरी है और दूर रहना जरूरी है। तो जब तक इस पे हम नहीं उतरेंगे, धर्म पे संवाद नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि 31 बरस हमने तो सफाई करी है। और मैं कह सकता हूँ कि उन जहाँ जहाँ किया, वह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सफाई थी, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में सफाई और करनी है, जिसके लिए मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ और आपके समक्ष बिहार में आया हूँ। क्योंकि महावीर जी, गौतम जी सब यहीं जन्मे हैं, तो विकृतियाँ बिहार से ही सफाई के क्षेत्र में आई हैं, गुलामी भी इसी वजह से आई है देश की। तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं से चीज़ें ठीक हों, इसलिए बिहार की जनता की आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। और मैं सभी का आह्वान करूँगा कि मुझे सहयोग दें, मेरे साथ चलें, हम साफ कर लेंगे, रोजगार दे लेंगे। थैंक यू, थैंक यू।